लाखों की सागौन लकड़ी सहित वाहन को वन विभाग टीम ने बीनागंज क्षेत्र में पकड़ा, एक गिरफ्तार एक फरार। जिले की बीनागंज रेंज में आज दोपहर एक सूचना के आधार पर रेंजर और वन कर्मियों की टीम ने एक वाहन से अवैध सागौन की लकड़ी को वाहन से तस्करी कर राजस्थान के मनोहर थाना ले जाते हुए पकड़ा। इस दौरान वन विभाग की टीम को देखते ही वाहन चालक उतरकर भाग खड़ा हुआ, वहीं वाहन का क्लीनर मौके पर ही धर दबोचा गया। बीनागंज वन रेंज के अधिकारी सौरभ द्विवेदी ने बताया कि उन्हें आज सुबह ही मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक वाहन में अवैध सागौन की लकड़ी की बल्लियों की तस्करी कर बीनागंज से होते हुए राजस्थान के मनोहर थाना ले जाया जा रहा है। सूचना पर टीम द्वारा नाकाबंदी की गई और संदिग्ध वाहनों को चेक किया गया। इस दौरान दोपहर 2:30 बजे करीब वन विभाग ने जैसे ही एक वाहन को रोका तो वाहन रोकते ही ड्राइवर भाग खड़ा हुआ। वाहन में बैठे अन्य व्यक्ति जो कि क्लीनर था उसको पकड़कर वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें सागौन की बल्लियां भरी थी। जब क्लीनर से पूछताछ की तो उसने बताया कि लकड़ी सीहोर से लाई जा रही है और मनोहर थाना ले जाई जा रही है। इस बीच राजगढ़ के वन विभाग के द्वारा भी इस वाहन के पीछा किया जाने की भी जानकारी मिली है। वन विभाग टीम ने वाहन में भरी लकड़ी और वाहन को जब्त कर लिया है।